नहीं कर रहा है इसलिए ये बीमारी है। अगर वो सब चीज आप समझा पाएंगे तो क्या होगा, वो आपको बिलीव करेंगे। बिलीव करने से क्या होगा, आपका जो भी प्रोडक्ट आप देंगे वो मतलब एक्सेप्ट करेंगे और खाएंगे। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट देखिए, हमारे प्रोडक्ट तो काम करते हैं, लेकिन अगर कोई दो आदमी को, आप सोच लीजिए दो आदमी है, एक को आपने मतलब प्रोडक्ट दे दिया वो लेकिन आपके प्रोडक्ट को विश्वास नहीं कर रहा है, और दूसरा एक आदमी है जिन्हें आपने प्रोडक्ट दिया वो आपका प्रोडक्ट विश्वास करता है, तो वो पहले वाला जो मतलब विश्वास जो आदमी करते हैं उसका जल्दी काम करेंगे। क्योंकि एक बिलीफ का भी काम होता है, क्योंकि हमारे देखिए हमारे हमारा प्रोडक्ट जो है वो ये ऑर्गेन बेस्ड है, और हमारे जो ऑर्गेन्स जो अगर आपका मतलब क्योंकि हमारे सकोबरी सर रेगुलरली बताते हैं कि हमारे सभी ऑर्गेन्स काम कर रहे हैं हमारे मेनली न्यूरोलॉजिकल से, न्यूरोलॉजिकली वो न्यू हमारे ब्रेन जो बोल रहे हैं वही काम कर रहे हैं सभी ऑर्गेन। अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर हम लोग सोच लीजिए लिवर के लिए भी कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, अगर मेरा न्यूरोलॉजी बोल रहा है कि लिवर को कि देखो ये प्रोडक्ट लेने से मेरा लिवर ठीक होगा, अगर न्यूरोलॉजी के लिए वो एक्सेप्ट कर रहा है तो वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली काम करेगा। लेकिन अगर वो न्यूरोलॉजी के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा है लेकिन जोर जबरदस्त खा रहा है तो वो प्रोडक्ट काम करने में टाइम लगेंगे, काम करेंगे लेकिन ज्यादा टाइम लगेंगे। तो इसीलिए आप लोग अवेयरनेस फैलाइए, और हो सके तो आप लोग ये चोकोबोली सर का जो ट्रेनिंग है जिसमें चोकोबोली सर हमारे फिजियोलॉजी एवरी ऑर्गेन्स कैसे काम करता है ये सब आपको डिटेल में समझाते हैं, और वो भी बहुत इजी तरीके से आप लोग को समझाते हैं। मतलब इतना छोटा छोटा एग्जाम्पल देते हैं जो शायद आप दूसरे जगह कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे, वो उतना मतलब इजीली आपको समझ पाएंगे। तो यहाँ वो आपका फायदा है, वो इसीलिए चोकोबोली सर का ट्रेनिंग में आप अटेंड कीजिए ताकि वो सब सीख के आप लोग इम्प्लीमेंट कर सके मार्केट में। क्योंकि देखिए अभी अगर किसी के पास आप अगर डायरेक्ट जाके उसको अगर कुछ बीमारी है आप बोल रहे हैं कि आपके बीमारी के लिए ये मेडिसिन लीजिए, जो आदमी 10-15 साल से कहीं है, सोच लीजिए एक डायबिटिक पेशेंट ही है, वो डायबिटिक पेशेंट को आप उनसे मिलने के बाद बोला कि आप देख लो मेरा डायजेस्ट ले लो तुम्हारा 1 महीने में या 2 महीने में ठीक हो जाएंगे, मतलब आपका कॉम होना शुरू होगा, ठीक मत नहीं मतलब कॉम होना शुरू हो जाएगा आपका, ठीक होगा ऑलमोस्ट। तो वो जो डायबिटिक पेशेंट है वो जो 10-12 साल से एलोपैथिक में ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो तो क्या सोचेगा कि मैं 10-12 साल से ट्रीटमेंट कर रहा हूँ मेरा कुछ ठीक नहीं हुआ है और ये बोल रहा है मुझे ये मेडिसिन 1-2 महीने में ठीक होगा, तो वो एक विश्वास नहीं आएंगे। अगर आप उसको समझाएंगे कि ये डायबिटीज किस लिए होता है, डायबिटीज का कारण क्या है होने का कारण, और हमारे प्रोडक्ट्स लेने से उनका कैसे काम करेंगे, वो डायबिटीज किस ऑर्गेन में काम करेंगे, जब वो सब चीज वो समझेंगे आप अगर समझाएंगे तो समझने से क्या होगा, वो ही खुद आपको पूछेंगे कि ठीक है आप तो ये सब बताया तो आपका प्रोडक्ट क्या है, तो आप तब बताइए डायजेस्ट के बारे में, तब क्या होता है आपका वो डिमांड क्रिएट हो गया, डिमांड क्रिएट होने के बाद आप वो प्रोडक्ट को तब दीजिए, तब वो प्रोडक्ट को आप जैसे बोल रहे हैं उसको जैसे, क्योंकि हम हमारे प्रोडक्ट्स के साथ हम लोग एडवाइस भी करते हैं कुछ मतलब डाइट का भी बोलते हैं कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसको डाइट कंट्रोल करने के लिए भी बोलते हैं। तो अगर जब वो प्रोडक्ट को खुद ही एक्सेप्ट करेंगे और आप जो भी एडवाइस देंगे वो भी अगर एक्सेप्ट करेंगे तो क्या होगा, वो इजीली ठीक होगा, और एक बार ठीक होने से क्या होगा आपका, जब वो ठीक होना लगेगा ऑटोमेटिक आपका प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि वो भी तो स्प्रेड करेगा ही कि उसको अगर ठीक हो जाता है तो वो दूसरों को भी बोलेंगे, तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। तो आप लोग वही कोशिश कीजिए, डायरेक्ट प्रोडक्ट लेके मत जाइए, फर्स्ट आप लोग कोशिश कीजिए उसको समझाने के लिए, और जब वो समझते हैं समझने के बाद हमारे प्रोडक्ट को अप्लाई, तब ऑटोमेटिक क्या होगा आपका बिजनेस बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट और एक चीज बताना चाहता हूँ, हमारे ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, लीडर्स जैसे कि आते हैं जाते हैं, फिर मतलब लीडर सक्सेस क्यों नहीं होते, बहुत सारे लीडर्स क्योंकि यहाँ तो आपका गवर्नमेंट अभी देखिए कोई भी गवर्नमेंट अगर जॉब है उसमें तो सीट होता है 1-2, लेकिन अप्लाई करते हैं 1,000-1,00,000 आदमी ये करते हैं अपॉइंट ये कर, लेकिन हमारे यहाँ वैकेंसी ही वैकेंसी है लेकिन तब भी आदमी आते नहीं है, जब हम लोग किसी को बुलाते हैं आने के बाद भी 1-2 महीना काम करके वो निकल के चला जाता है, वो कारण क्या है, वो फेल होने का कारण क्या है, फेल होने का कारण है वो हम लोग खुद ही है। क्योंकि देखिए हम लोग जब एक टाइम कुछ लोग हमारे साथ जोड़ना नहीं चाहते उनके माइंड में ऐसा है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मतलब एक फ्रॉड कंपनी, ये चीज पहले ही बहुत कुछ कंपनियों ने ये वो इमेज बना के गया है, अभी हम लोग का काम है कि वो इमेज को साफ करना, वो इमेज को ठीक करना है, उसके बाद भी कुछ लोग है कि हमारे साथ जोड़ना चाहता है, लेकिन जब वो हमारे साथ जुड़ेंगे वो जोड़ने के बाद 2-3 महीने बाद काम करने के बाद वो छोड़ के चला जाता है, उसका कारण क्या है, क्योंकि जब हम लोग उनको जोड़ते हैं हमारे कंपनी के साथ तो क्या करते हैं हम लोग उनको इतना मिस कमिटमेंट करते हैं, इतना ज्यादा कमिटमेंट कर देते हैं, उनको बताते हैं कि आप 2 महीने 1 महीना काम कीजिए
आपको 2 महीने के अंदर में, आपको 2-3 महीने के अंदर आपको कार फाइन रिसीव करा दूंगा, आपको इतना महीने में आपको इतना डायमंड बना दूंगा, इतना मिस कमिटमेंट करते हैं कि वो बाद में वो कमिटमेंट खुद ही फुलफिल नहीं करते हैं। और नहीं करने से क्या होता है, उसका वो विश्वास ये हो जाता है, क्योंकि आपको उनको बताना है। हाँ, डायरेक्ट सेलिंग में वो वैकेंसी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जब वो हमारे साथ जोड़ेंगे उसको आपको बताना है कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, आप अगर हार्ड वर्क करते हैं तो आपको इतना महीने तक आप मतलब कारफान या आप 7 डायमंड पहुंच सकते हैं, अगर ऐसे आप मेहनत करेंगे तो इतना 1 साल के अंदर आप गोल्ड डायरेक्टर या ये डायमंड डायरेक्टर बन सकते हैं। वो चीज आपको क्लियर करना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वो चीज क्लियर नहीं करते। हम लोग ऊपर से बोल देते हैं कि आप आ जाइए, आपको कुछ करना नहीं है, मैं आपके आपके लिए टीम बनाऊंगा, आपको 6 महीने में ये बना दूंगा ये बना दूंगा, ऐसे हम लोग करते हैं। ये प्रैक्टिकली जो मैं फील्ड में देख रहा हूँ और जो आपको भी मालूम है, ये प्रैक्टिकली यही होता है। इसीलिए क्या होता है, जो आदमी अभी आपको विश्वास करके आपके साथ ज्वाइन कर लिया, आपने उनको बोला कि यार तुम काम करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, मैं ही तुम्हारे लिए टीम बनाते रहूंगा, तुमको 6-7 महीने के बाद तुमको 7 ये डायमंड बना के तुमको कार फाइन अचीव करा दूंगा। जब 5-6 महीने करने के बाद उसको पता चला है उसका कुछ इन्वेस्टमेंट कुछ इनकम नहीं हो रहा है, वो पोजिशन भी 2 डायमंड या 3 डायमंड में है, तो क्या होगा, धीरे धीरे करके आपके ऊपर वो विश्वास हट जाएगा। हटने के बाद क्या करेगा, वो एक दिन वो आपका फोन रिसीव करना बंद कर देगा, आपको आपको मतलब एंटरटेन नहीं करेंगे, वो कंपनी छोड़ के चला गया। छोड़ के चले जाने के बाद वहाँ ही वो चीज खत्म नहीं होता है, उसके बाद होता है मेन चीज कि वो छोड़ने के बाद 10 और लोगों को आपके बारे में बोलेंगे कि वो आपको टोपी पहनाएगा, आप कभी मत आइए, वो अगर कुछ बोलने से भी आप लोग मत सुनिए, क्योंकि एक बार मैंने वो मतलब ऑलरेडी टोपी पहनना चुका ऑलरेडी पहन चुका हूँ, तो आप लोग उससे बचते रहिए ऐसा करके। क्योंकि हम लोग देखिए, हमारे ह्यूमन ह्यूमन का मतलब एक नेचर है कि हम लोग बुरी चीज को ज्यादा फैलाते हैं और अच्छी चीज को ज्यादा नहीं फैलाते, ये हमारे ह्यूमन का ये नेचर ही है। इसीलिए जब वो आप आपसे मतलब ये हो गया कि आपसे विश्वास हट गया और आपको खराब पाया, तो वो उस चीज को लगभग 10-20 आदमियों को मतलब उस एरिया में सभी को बोल देंगे, वो जिसको जिनको वो पसंद है। तो क्या हुआ, ऑलरेडी आपका इनडायरेक्टली क्या हुआ, आपका मार्केटिंग खराब हो गया, और उस जगह पे आप जाएंगे कैसे। अभी नेक्स्ट जाने से उन लोगों को तो ऑलरेडी एक ने बता चुका है कि मैंने ऐसे ज्वाइन किया था, उन्होंने ऐसे ऐसे मुझे बोला था, लेकिन कुछ किया नहीं, वो लोग ऐसे ही टोपी पहना रहे। तब आप नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो उनके पास तो कुछ ये नहीं होगा। इसीलिए उस तरीके के मिस कम्युनिकेशन आप लोग मत कीजिए, जो भी है आप लोग डायरेक्ट उनको बताइए कि आपको हाँ यहाँ पैसा कमाने का सोर्स है, आप 1 लाख करोड़ रुपया तक कमा सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, विदाउट मेहनत वो कहाँ कहीं भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप जो भी बिजनेस करें, आप मतलब सोच लीजिए डायरेक्ट सेलिंग करें या आप ट्रेड बिजनेस में काम करें या कोई भी मतलब जो कोई भी बिजनेस या आपका इनकम में मतलब सैलरी मतलब जॉब में भी, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको मेहनत करना ही है। लेकिन हाँ, यहाँ आप जितना मेहनत करें मतलब अगर कोई जॉब में जितना मेहनत करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग में उतना ही अगर मेहनत करते हैं तो आप ज्यादा कमा पाएंगे, वो चीज उनको बताना है, और उसको सही मतलब सही डायरेक्ट मतलब सही कारेक्ट वे में उसको ये चीज दिखाना है। और साथ में आपको ये चीज भी करना है कि हम देखिए, हम लोग जब मीटिंग कोई भी मीटिंग शुरू करते हैं, हम एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, एज ए गुड मॉर्निंग लीडर्स, हम सभी को लीडर्स ग्रीट करते हैं, तो वो लीडर्स भी आपको खुद को बनना है। क्योंकि देखिए, आप आपको कोई अगर बोल दिया आपके नीचे टीम है, तो आप लीडर नहीं बन सके नहीं बने हैं, आपको वो लीडर बनने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ मतलब नॉलेज या कुछ सीख के आप जब आपके डाउनलाइन में आप लीडर क्रिएट करेंगे, तब आप एक सही तरह से मतलब सही तरीके से आप बोल सकते हैं कि आप एक लीडर बन चुका है। क्योंकि देखिए, आप अभी लीडर है, आपके डाउनलाइन में बहुत सारे मतलब लीडर्स मतलब टीम मेंबर्स है। अगर आप कुछ सीख के अभी सोच लीजिए, हमारे यही बिजनेस में अगर आप बिजनेस प्लान या मीटिंग ये सब अरेंज कर सकते हैं, आप आराम से आप वो उसके लिए आप ऑलरेडी ये हो डेवलप हो चुके हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन वही चीज आपका डुप्लीकेशन अगर आपके टीम में किसी मेंबर को आपने दे चुका है, मतलब आपके टीम मेंबर से भी कोई मतलब कर पाते हैं, आपने उसको सिखाया उस ढंग से, अगर वो हो चुका है, तब आप एक लीडर है, क्योंकि आपने एक लीडर को क्रिएट किया है। अगर आप खुद कर रहे हैं लेकिन आपके डाउनलाइन में किसी को नहीं, आप वो डुप्लीकेशन नहीं कर पा रहे, तो वो आपको सुनने में खराब लगेगा, लेकिन वो लीडर नहीं है, वो एक मैनेजर है, आप मैनेज कर रहे हैं आपके टीम को। इसलिए आप कोशिश कीजिए आपके डाउनलाइन के आपके टीम को मतलब ये करने के लिए कि मतलब उनको सिखा के
उनको डुप्लीकेशन में उनको भी मतलब एक एक लीडर बनाइए आप, क्योंकि एक लीडर का काम वही होता है कि आप लीड फ्रॉम द फ्रंट, आप फ्रंट से आप लीड करेंगे और आपके टीम में आपको लीडर क्रिएट करेंगे, वही आपका लीडर का मेन ये होता है। और साथ में हमारे यहाँ देखिए अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और एक चीज़ है कि कभी ये चीज़ मत कीजिए आप लोग, आपके अपलाइन को कभी मतलब क्या रहा, कुछ कुछ लीडर्स ऐसे होता है कि मेरे मेरे अपलाइन से मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उसका बदनाम करते हैं, वो सब मत कीजिए। क्योंकि देखिए जो भी है आपसे पहले ये कंपनी में वो आया है, उसको थोड़ा सा भी आपसे ज़्यादा ही नॉलेज है, तो इसीलिए आप लोग कोशिश, अगर उसको आपका अपलाइन कुछ प्रॉब्लम है, आपको अपलाइन आप फोन कर रहे हैं अपलाइन उसको रिसीव नहीं कर रहे, अगर कहीं मिला है आप डायरेक्ट उसको मतलब ये कीजिए, मतलब बात कीजिए उनसे कि मैं आपसे सपोर्ट के लिए फ़ोन किया था, आपने रिसीव नहीं कर रहे, तब वो बुरा नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट, लेकिन उसके मतलब पीठ में जाके अगर आप किसी से बुरा भला कहेंगे वो सब मत कीजिए, क्योंकि वो लोग भी लीडर्स है, उन लोग का भी बहुत बड़ा बड़ा टीम होता है, तो आपको कभी कभी ऐसा होता है कि वो दूसरा टीम में कंसंट्रेशन दे रहे हैं, इसीलिए आपको टाइम आपको एंटरटेन नहीं कर पा रहे, लेकिन टाइम आने से आपको भी करेंगे, क्योंकि वो लोग भी सब तो यही है ना, आपके आपके मतलब उनका डाउन, आप तो टीम मेंबर ही है, आपका कुछ फायदा होने से उनका भी तो फायदा है, इसीलिए आप हमेशा अपलाइन को थोड़ा रेस्पेक्ट दीजिए उन लोग को। और साथ में देखिए डायरेक्ट सेलिंग ही ऐसा कंपनी है जहां आप देखिए दूसरा कोई भी कंपनी में है सब में कंपटीशन है। अभी एक ट्रेड बिजनेस में देखिए, ट्रेड बिजनेस में एक अगर बिजनेसमैन करोड़ों रुपया कमा रहे है, आप अगर उसको जाके पूछेंगे कि आप करोड़ों रुपया कमा रहे हैं तो आप कैसे कमा रहे हैं, वो आपको कभी उसका सीक्रेट बताएंगे, वो कभी नहीं बताएंगे, वो बोलेंगे हाँ बिजनेस करके मैं ये किया हूँ बिजनेस करके, तो वो लेकिन आपको डिटेल्स में कभी नहीं समझाएगी ऐसे ऐसे करो तुम, ऐसे ऐसे करने से वो आप करोड़पति बन सकते हो। या कोई आप नौकरी में अगर कोई कर रहा है एक सीईओ बन गया, आप सीईओ को अगर पूछेंगे कि आप सीईओ कैसे बने, क्या क्या किया, वो आपको बोलेंगे हाँ मैं मेहनत करके आया, लेकिन आपको डिटेल्स में नहीं बताएंगे वो कैसा है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ही एक इंडस्ट्री है जहाँ आप देखिए टॉप टॉप लीडर, जो टॉप लीडर अभी हमारे कंपनी में स्वामी विवेक सर या मौसम सर, गोकुल सर, वो लोग हमारे मीटिंग में हर बार आते आके वही वो क्या बोलते हैं, वो उनका एक्सपीरियंस बताते हैं, वो आपको बताता है कि देखिए मैंने ऐसे ऐसे करके किया, इस जगह में ये गलत किया था, आप लोग वो मत कीजिए, आप लोग मेरे जगह पे आ सकते हैं। वो सिर्फ सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में ही होता है, कोई दूसरा कंपनी में नहीं होता है। आपका डायरेक्ट सेलिंग में ही एक लीडर उसका मतलब वो कैसे इतना करोड़पति बना या एक पोजीशन में आया, वो पोजीशन में दूसरों को लाने के लिए वो सिखाता है सभी कुछ, मतलब अगर उसने कुछ गलती किया वो गलती को भी सुधार के वो बोलते हैं कि आप वो मत कीजिए, मैंने किया था वो गलती हुआ था, आप ये एक तरीके से आइए तो आप ये कर सकते हैं। तो इसीलिए आपके अपलाइन को, इस अपलाइन या आपके टॉप लीडर्स को इसीलिए रेस्पेक्ट दीजिए, उनके बारे में ज़्यादा ये मत कीजिए, मतलब उसके पीछे पीछे मतलब आपका गलत बात मत बोलिए, क्योंकि कुछ डिसीजन लेने से पहले फर्स्ट उनको देख लीजिए, अगर कुछ उनका भी प्रॉब्लम हो सकता है इसीलिए उसको समझने के लिए कोशिश कीजिए, ताकि क्योंकि वो तो हेल्प करने के लिए रेडी है, अगर तब आप एक बार बात कर लीजिए, अगर तब भी वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे तो उनके ऊपर और कोई दूसरा अपलाइन है तो उनके पास आप सपोर्ट के लिए जाइए, लेकिन उनके बारे में खराब मत बोलिए, क्योंकि अगर आप वो करते हैं तो आप अगर अपने डाउनलाइन के साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरे यहाँ मैं देखता हूँ बहुत सारे लीडर कि अपने डाउनलाइन के साथ ही ऑफिस में आते हैं, आने के बाद उनके अपलाइन के बारे में वो डाउनलाइन के साथ ही बात करते हैं, कॉन्वर्सेशन करके मेरे सामने ही बोलते रहते हैं कि मेरा अपलाइन ऐसा है ऐसा है, तो क्या होगा कुछ दिन बाद वो डाउनलाइन आपके बारे में ऐसे बोलेंगे, इसीलिए वो चीज़ अभी से अवॉइड कीजिए अगर कर रहे हैं तो आप लोग, क्योंकि ये आप लोग के भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ। और साथ में जैसे हमेशा मैं बोलता हूँ आप लोग हो सके तो हमारे जो कैटेगरी आपका ग्लिटर्स और शाइन प्रोडक्ट्स उसमें भी आप लोग ध्यान दीजिए, और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो मैंने आजकल, क्योंकि हर टाउन में लगभग दो तीन तो नर्सरी होता ही है, हर टाउन में आजकल सब जगह पे नर्सरी ये करके बिजनेस एक शुरू हो गया है, और हमारे यहाँ ईस्टर्न रीजन में तो आपका मतलब असम में मैं अगर बोलना चाहूँ तो हर घर में मतलब इन अपर असम में एक साइड में आपका हर घर अपर असम साइड जो बोलते हैं उस साइड में तो हर घर में एक छोटा छोटा आपका ये होता है टी गार्डन जैसा प्लांटेशन होता है वो लोग, तो उस तरीके के कस्टमर्स को आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को प्रमोट कीजिए, साथ में साइन प्रोडक्ट्स और ग्लिटर्स प्रोडक्ट्स जो है वो आप खुद यूज कीजिए, क्योंकि आपको खुद अगर वो फील करेंगे तो आप शेयर कर पाएंगे, इसीलिए हमेशा बोलता हूँ। और हो सके तो अगर, क्योंकि अगर आपको कुछ बीमारी है
देखिए, अभी मैं जो आपको हेल्थ स्लिम के बारे में बताया, आज जो शायद चक्रवर्ती साहब को उसके बारे में बताएंगे, तो हेल्थ स्लिम प्रोडक्ट देखिए मेरा, आप फेब्रुआरी में अगर, फेब्रुआरी से पहले अगर मुझे मिलते, क्योंकि मेरा गुवाहाटी के लीडर्स लोग को, उन लोगों ने देखा है मेरा वेट 99.6 हो गया था, लेकिन अभी आके मेरा ऑलमोस्ट 80-81 ऐसा हो गया है, ऑलमोस्ट 17-18 kg मैंने वेट लूज किया हूँ। तो ये करने का कारण मैक्सिमम ये हमारा हेल्थ स्लिम ही है, क्योंकि हेल्थ स्लिम खाया हूँ मैंने ऑलमोस्ट 6-7 months खाया हूँ, साथ में मैंने वो फॉलो भी किया, आपको जैसे बताया हूँ मैं कि आपका डाइट कंट्रोल भी किया, डाइट मतलब आपका एक्सरसाइज भी किया, पानी भी पिया, सब किया, तो वेट कम हुआ। तो इसीलिए देखिए, अगर हेल्थ स्लिम आपको ये हमारे प्रोडक्ट्स, अभी देखिए हेल्थ स्लिम को खाने के बाद अभी यहाँ मेरे ऑफिस में आया हुआ 2-3 लीडर्स, मैंने एक बार आपको शायद बताया था कि अभी तक लगभग 10-12 लोग मुझसे पूछ के वो लोग हेल्थ स्लिम खाना शुरू किया है, क्योंकि एक बार उसने मुझे देख लिया, तो उन लोग को पहले भी मुझे देखा था, अभी भी देख लिया, इसलिए उनको विश्वास हो रहा है। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ, अगर आप खुद ही एक सेल्फ टेस्टिमोनियल्स बनते हैं तो क्या होगा, आपका वो हेल्प होगा, आपको वो प्रोडक्ट को मतलब किसी को रिकमेंड करने के लिए हेल्प होगा। अगर आप सोच लीजिए, आपका खुद का अगर कोई गैस का प्रॉब्लम है, अगर आप खुद ही अगर हमारे प्रोडक्ट्स नहीं लेते, आप मतलब कोई फार्मासिस्ट है, अगर कोई एसी लॉक या मतलब आपका कोई नॉर्मल एलोपैथिक मेडिसिन आप ले रहे हैं, तो अगर किसी को आप रिकमेंड कर रहे हैं कि नहीं आप एक काम कीजिए, आपका गैस है तो हमारे फूड फाइबर और टिफोला ये लीजिए, वो कैसे लेंगे, उसको आप बताना पड़ेगा ना कि देखो मैंने, मेरा पास, अगर आप खुद बोल रहे हैं कि मेरे पास भी ये गैस का प्रॉब्लम था ये सब, लेकिन मैंने ये खाया 1-2-3 महीने के बाद मेरा ठीक हो गया, अभी तुम भी खा लो, तब वो बात में जितना विश्वास आएगा। अगर आप बोलेंगे कि नहीं ये प्रोडक्ट हमारे कंपनी बोल रहा है कि ये प्रोडक्ट खाने से आपका गैस ये सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, तो इसीलिए खाइए, अगर आप बोल रहे हैं कि मैं खुद खा के ये ठीक हो गया और कंपनी ये बोल रहा है, उसमें एक डिफरेंस है। अगर आप खुद बोल रहे हैं कि मैं खुद ये खा के ये मुझे रिजल्ट मिला और इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, तब वो जितना आपको विश्वास करेंगे, उससे ज्यादा, उससे कम विश्वास करेंगे अगर आप बोल रहे हैं कि कंपनी ने ये बताया है, क्योंकि वो आपको खुद देख रहे हैं, आप पर एक, अगर आप टेस्टिमोनियल्स खुद दे रहे हैं तो आपके ऊपर विश्वास आएंगे। तो वही चीज हमारे जो ग्लिटर्स प्रोडक्ट्स, उसके बारे में भी आप लोग ध्यान में रखिए, और वो सब प्रोडक्ट भी यूज करके दूसरे को तब आप इजिली बता पाएंगे, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स में अभी देखिए हमारे एंटी डेंड्रफ शैम्पू, एंटी डेंड्रफ शैम्पू है, एलोवेरा शैम्पू है, और जो मैं पील ऑफ के बारे में आपको बताता हूँ, पील ऑफ के बारे में अगर आप खुद अगर यूज नहीं करेंगे तो आप दूसरों को कैसे बताएंगे, क्योंकि दूसरों को बताने के लिए भी तो आपको ये बोलना है कि उसे कैसे लगाना है, कितना टाइम तक तो आपको मुंह में लगा के रखना है, कितना टाइम के बाद आपको निकालना है, वो सब चीज अगर आप खुद यूज नहीं करेंगे तो आप बता नहीं पाएंगे। और एक बार आप अगर किसी को खुद यूज कर लेते तो आप किसी को अगर बताते हैं तो वो आपसे बात करते हैं, वो समझ जाएगा हाँ ये खुद भी यूज करता है इसीलिए, क्योंकि एक आदमी का क्या होता है, जब दूसरे आदमी के साथ बात करते हैं तो बातचीत में पता चलता है कि उसने वो सामान, अगर पील ऑफ के बारे में भी आप किसी को साजेस्ट कर रहे हैं, वो आपके साथ बात करते करते पता चल जाएगा कि आपने वो यूज किया कि नहीं, एक ये हम लोग ह्यूमन यही है, हम लोग बातचीत करने से वो पता चल जाता है। तो इसीलिए अगर आप यूज नहीं, अगर आप मतलब यूज किया है सांस में, तो क्या होगा आपका वो एक कॉन्फिडेंट रहेगा, एक बिलीव रहेगा आपके ऊपर, इसीलिए आप इजी मतलब वो अच्छे से आप समझा पाएंगे। तो इसीलिए वो चीज कीजिए, साथ में अगर आपके घर में किसी का अगर मतलब फैमिली में किसी का अगर कोई बीमारी है, सोच लीजिए आपका, हाँ आपका कुछ ज्यादा बीमारी होने से हम लोग तो एलोपैथिक में जाएंगे, लेकिन हमारे प्रोडक्ट्स को भी यूज करके देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लीडर्स ऐसे है कि वो ऑडियंस का बिजनेस कर रहा है, मतलब ऑडियंस का प्रोडक्ट सब पेशेंट को ढूंढ ढूंढ के पेशेंट को आपका प्रेस्क्रिप्शन ला के हम लोग को भेज रहा है, हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, लेकिन उसका खुद का घर का फैमिली का कोई बीमार होने से डायरेक्ट मेडिकल जाते हैं, हमारे प्रोडक्ट नहीं खिलाते, ऐसा भी लीडर्स है बहुत सारे। तो वो चीज मत कीजिए, जब आपको अगर हमारे खुद के प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर विश्वास नहीं है और अगर आप खुद ही यूज नहीं करेंगे तो आप दूसरों को समझा नहीं पाएंगे, एक लेवल तक आप ज्यादा फोर्स करके कर सकते हैं, लेकिन एक लेवल के बाद आप जा नहीं पाएंगे, इसीलिए वो आप विश्वास लाइए, पहले आप खुद भी देखिए। हाँ कुछ बीमारी के लिए आपको तो मेडिकल जाना ही पड़ेगा, अगर आपको कुछ इमीडिएट ट्रीटमेंट जिसमें चाहिए, ऐसा में तो आपको जाना है, किसी को अगर हार्ट स्ट्रोक हुआ है तो उसको तो जाना ही पड़ेगा हॉस्पिटल, वो सब में मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ बीमारी के लिए जैसे भी किसी का अगर मतलब डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, किसी का अगर लिवर का प्रॉब्लम है, वो सब में फर्स्ट आप ट्राई कीजिए हमारे खुद का प्रोडक्ट, ट्राई कीजिए, आप खुद ही किसी को बोल रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट इतना काम करते हैं और खुद ही यूज नहीं करते,
सकते हैं आप लोग। तो इसीलिए वो लोग कोशिश वो कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं ऐसा लीडर्स बहुत सारे देखा हूँ जो मतलब बाहर पूरा ऑडियंस का काम कर रहा है, लेकिन घर में आपका एक चीज भी उनका ऑडियंस में नहीं मिलेगा, वो लोग बाहर से ही खरीद के काम कर रहे हैं। तो वो चीज मत कीजिए। और साथ में जो हमारे एपी होम के बारे में हम लोग जो रेगुलर आपको बता रहे हैं कि एपी होम का सही ढंग से यूज कीजिए, एपी होम का जो पॉजिटिव निगेटिव जो है, निगेटिव तो एक भी नहीं है, सब पॉजिटिव ही है, तो उसका जो एडवांटेजेस है वो लीजिए। आप लोग अगर 3 डायमंड अगर पहुंच गया या नहीं पहुंचा भी, तो आप कोशिश कीजिए 3 डायमंड होने के लिए। और जो 100 जो अनलिमिटेड जो लिंक सेंड करने का ऑप्शन है उसको आप ऐसे कीजिए, ताकि आप जितने सारे लिंक भेज सकते हैं, क्योंकि आप मेनली आप कोशिश कीजिए। देखिए आपको तो बिजनेस करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर लिंक भेज के या कोई भी है, आप डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करके आपका टीम बना सकते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन अगर आप टीम बनाने के साथ अगर आप कस्टमर बेस भी आपका बढ़ा लेते हैं, तो आपका कस्टमर बेस बढ़ाने से क्या होगा, आपका एक एडिशनल इनकम आते रहेंगे, आपके पास रिटेल बोनस आते रहेंगे, साथ में वो पॉइंट वैल्यू भी आपके पास आते रहेंगे। तो इसीलिए आप मतलब आपके बिजनेस के साथ साथ में आप कस्टमर बेस भी बढ़ाइए, क्योंकि कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए आपको तो खुद जाना नहीं पड़ेगा। आप बिजनेस में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन दीजिए, अब मोबाइल में सिर्फ तो 1-2 मिनट का काम है, आपको सिर्फ लोगों से एक बार बात कर लीजिए, 1-2 मिनट में उनको लिंक भेजिए। आप उसके लिए आपको उसके मतलब प्लेस में जाना ही नहीं पड़ेगा, आप घर से ही आप लिंक भेज सकते हैं। तो वो कीजिए, आपका कस्टमर बेस को बढ़ाइए, क्योंकि आपका जितना कस्टमर बेस बढ़ेंगे तो क्या होगा, आपका इनकम बढ़ने का सोर्स ज़्यादा होगा। क्योंकि रिटेल बोनस अभी कुछ लोग कुछ लीडर्स हमको पूछते हैं कि सर वो रिटेल बोनस तो ई वॉलेट में आता है, तो हमारा फायदा क्या हुआ, तो बैंक में नहीं आता है। लेकिन इनडायरेक्टली देखने से तो वो फायदा ही है, क्योंकि आपको अगर 2000 रुपया अगर आपके ई वॉलेट में आ गया है, अगर नेक्स्ट टाइम आप जब ऑर्डर कर रहे हैं 6000 का, उसमें से 2000 माइनस करके आपको 6000 ही पे करना है, वो 2000 तो आपका अकाउंट में ही रहेगा इनडायरेक्टली देखने से, कंपनी आपको नहीं दे रहा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऑर्डर में तो आपका 2000 तो वो केस आपके हाथ में बच गया ना, इनडायरेक्टली तो वही है। तो इसीलिए उस तरीके से आप लोग सोचिए, उस तरीके से प्लान कीजिए और इस एपी होम को सही ढंग से यूज कीजिए, क्योंकि इसके थ्रू आप जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कोई किसी के पास पैसा नहीं है, तो आप 10 PV से उसको जोड़ दीजिए और उसको समझा दीजिए कि कैसे वो लिंक भेज के उस 10 PV से ही वो 1 डायमंड बन सकते हैं, वो चीज भी आप समझा दीजिए। समझाने से क्या होगा तब, क्योंकि अभी आपको देखिए बहुत आदमी मिलेंगे ज्वाइन कराने के लिए, लेकिन 6000 में ज्वाइन करने के लिए आदमी आपको नहीं मिलेंगे, मतलब 10 में से 1 मिलेंगे, लेकिन 9 वो अगर 10 10 आदमी आपके साथ जुड़ने के लिए रेडी है, उसमें से 1 आदमी बोलेंगे ठीक है मैं 1 डायमंड में ज्वाइन करूंगा, बाकी 9 आदमी बोलेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अभी ज्वाइन करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। तो उस तरीके के पेशेंट को आप 600-700 रुपया में हमारे जो 10 PV का ऑर्डर होता है, क्योंकि 2 आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेने से ही ऑलमोस्ट आपका वहाँ एक 10 PV हो जाता है, तो उनको 700-800 रुपया का वो परचेस करके 1 डायमंड मतलब 10 PV में बना दीजिए, और उसको सिखा दीजिए, वो टेक्निक सिखा दीजिए कि आपको यही करना है कि आपके फैमिली में कोई भी है ऐसा फ्रेंड सर्कल में आप भेजिए कि आप लिंक 15 लिंक को भेजिए, उनको सिर्फ 600-700 सा ही सामान खरीदने के लिए बोलिए, जो कॉस्मेटिक है हमारे जो ग्लिटर सामान है जो घर में यूज करते हैं वही सामान खरीदने के लिए बोलिए उनको। जब वो लोग खरीदेंगे तो वो पॉइंट जो मिलेंगे उसी पॉइंट से वो 10 मतलब 1 डायमंड बन सकते हैं। तो एक बार जब 1 डायमंड बन जाएंगे तो उसको तो मोटिवेशन आ जाएगा ना, तब तो वो ऑटोमेटिक काम करना शुरू करेगा। इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिए वो मतलब एपी होम के सही ढंग से, वही हम लोग रेगुलर बोल रहे हैं कि आप लोग सही ढंग से यूज कीजिए, क्योंकि एपी होम का ये ऑप्शन जो है वो 10 PV वाला ऑप्शन से मतलब पहले क्या था, 10 PV वाला मतलब जो भी आईबी है वो एपी होम यूज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी ये ऑप्शन दे दिया गया है कंपनी, तो इसका देने का कारण यही है, कंपनी सोच रहा है कि कंपनी को भी मालूम है कि देखिए ये अभी 10 PV जो आईडिया है ये मतलब 10 PV के आईडिया जब एपी होम यूज करते हैं, पहले तो नहीं कर पा रहे थे, अभी कर सकते हैं, ये स्टार्ट हुआ है ड्यूरिंग लॉकडाउन टाइम से। और ये क्यों किया है, हमारे कंपनी भी सोच रही थी देखिए अभी लॉकडाउन के वजह से पूरा सब जगह बंद पड़ चुका है, तो आदमी बहुत है ज्वाइन करने के लिए, लेकिन आदमी को तो पैसा भी चाहिए ज्वाइन करने के लिए, लेकिन पैसा नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे, उन कंपनी ये मालूम है 9 आदमी के पास पैसा नहीं है,
लेकिन कंपनी ये भी लोगों को ज्वाइन कराना शुरू कीजिए, क्योंकि वो करने से क्या होगा, आपका ऑटोमेटिकली आपका वो 10 PPC से जुड़े हुए, ठीक है, आपको 1 महीने में वो 1 डायमंड नहीं बन पाया, 2 महीने में नहीं बन पाया, एटलीस्ट 3 महीने में तो वो 1 डायमंड बनेंगे। 1 डायमंड बनने से तो आपके कैलकुलेशन में आ गया वो आपके टीम में, तो इसीलिए वो कोशिश करके रहिए। तो साथ में मैं देखता हूँ, 1 मिनट, सबको आया कि नहीं। अभी तो आया नहीं सबको, तो वही चीज है, आप खुद पहले हमारे खुद का प्रोडक्ट यूज कीजिए, फिर उसका जो हम लोग रेगुलर बोलते हैं मतलब फील कीजिए, शेयर कीजिए, फिर हमारे एपी होम ऐप का सही ढंग से यूज कीजिए। और जैसे कि कल भी मैंने बोला था, अगर अभी आपको कहीं भी कोई मीटिंग की जरूरत है, कोई मार्केटिंग मैनेजर्स के सपोर्ट चाहिए, तो आप कॉल कर है ईस्टर्न रीजन में, आपका सोमनाथ सर, फिर साउथ में तो मनोज सर है, तो हम सभी का नंबर आपके पास ऑलरेडी है। तो असल पर कहीं भी आपका मीटिंग है, मीटिंग करवाना चाहते हैं आपके टीम के साथ, तो मेरे साथ कांटेक्ट करने के लिए बोलिए, ताकि मैं वहाँ मीटिंग अरेंज कर सकूँ उनके साथ मिलके, ताकि और साथ में अगर दूसरा जगह में चाहिए, तो अगर दिल्ली, चेन्नई या आपका मुंबई वो सब एरिया में चाहिए, तो आप मनोज सर से बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल हम लोग निकलना शुरू हो गया है, कि मैं भी एक बार ऑलरेडी मीटिंग होके मतलब ऑलरेडी कर चुका हूँ, स्टार्ट कर चुका हूँ, तो रंजीत सर भी ऑलरेडी निकल चुका है, सोमनाथ सर भी निकल रहा है, तो सभी लोग अभी शुरू कर दिए हम लोग। तो कोई भी अगर सपोर्ट चाहिए आप लोग कॉल कर सकते हैं, आपकी टीम को अगर कोई मीटिंग जरूरत है तो आप बोल सकते हैं, हम लोग वहाँ मीटिंग कर सकते हैं। और साथ में और एक चीज़ है मैं बताना चाहता हूँ, कि देखिए अभी जो ये एपी होम, हमारे जो एपी होम के बारे में जो हम लोग, मैं आपको पहले भी बोला हूँ कि हमारे देखो एपीएम का जो कस्टमर जो लिंक है, ये भेजने का एक लिस्ट हम लोग को रेगुलर भेजते हैं कंपनी से, हमको रेगुलर पता चलता है कि आप लोग मतलब एपी होम कस्टमर ऐप डाउनलोड हुआ है या डिस्ट्रीब्यूटर ऐप डाउनलोड हुआ है, वो डिटेल्स हमेशा आता है। लेकिन ये भी मैं बताता हूँ कि अभी कुछ स्टेट्स में ठीक है, अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ स्टेट्स में तो मतलब लगभग 2-3-4 दिन तक 0-0 ही होता है, कुछ स्टेट्स में 1 होता है, ऐसा हो रहा है। इसका मतलब क्या है, अभी भी हम लोग एपी होम को ज़्यादा से ज़्यादा ये नहीं हो रहा है, इतना मतलब समझा नहीं पा रहे, या इतना हम लोग भेज नहीं पा रहे, कुछ स्टेट्स में अभी भी आपका मतलब मेनली इन द नॉर्थन मतलब आपका नॉर्थ साइड में, या मिड मतलब जो मध्य प्रदेश ये सब एरिया में, वहाँ भी बिजनेस है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना स्प्रेड नहीं हुआ है। तो कोशिश कीजिए वहाँ स्प्रेड करने के लिए, वो लिंक को नहीं है, सोच लीजिए राजस्थान में, राजस्थान में हमारे बिजनेस नहीं है, तो वहाँ आपके कोई फ्रेंड है, आपने वो किसी फ्रेंड को आपने एपी होम का लिंक भेज दिया, कस्टमर लिंक, वो कस्टमर लिंक वो जब प्रोडक्ट खरीदा उसको भी आप बोलिए कि आप भी लिंक भेजिए, वो भी उनके फ्रेंड में अगर लिंक भेजते, अगर कुछ दिन 1-2 महीने के बाद अगर वो भी बहुत लोगों को भेजने लगा, तो क्या होगा, राजस्थान में ऑडियंस का जो नाम है वो जानने लगेंगे आदमी लोग, जब क्योंकि वो ऐप तो ऑलरेडी सर्कुलेट हो चुका है, तो उसके बाद आप अगर किसी को ज्वाइन कराने चाहेंगे, तो आप उसमें आपको इतना मतलब डिफिकल्ट नहीं होगा उसको ज्वाइन कराने के लिए, आपको हेल्प होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी वो ऑडियंस के बारे में जानते हैं, वो ऐप के बारे में सुना है, तो इसीलिए उससे आपका फायदा होगा, इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप बिजनेस के बारे में जाएंगे, अगर कोई उनको नहीं, शायद डॉक्टर सकोवरी सर आ गया है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू सर?